बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। आज की वीडियो की तरफ चलते हैं कि जी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने टेस्ट लिया था, मुख्तलिफ पोस्टें थी एंड बहुत सारे डिपार्टमेंट थे। 2023 में ये पेपर हुआ जिसमें ये सवाल पूछे गए हैं। बहुत सारी सीटें थी और अलग अलग डिपार्टमेंट के पेपर थे जिनमें ये क्वेश्चन आए हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम ये पहला क्वेश्चन करते हैं जी, हाउ मैनी क्यूब्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड कैन बी कट आउट फ्रॉम अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस 10 सेंटीमीटर क्रॉस 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो ये चार ऑप्शन दे देता है। हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने चैनल पे तमाम डिपार्टमेंट के पूरे साल के जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं सारे पेपर्स मैंने लगा दिए हैं। 2020, 21, 22 एंड 23 पूरे साल के वहाँ पे आपको पेपर्स मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट में आप वो वॉच कीजिएगा जिससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। इसके सोल्यूशन की तरफ पहले की तरफ चलते हैं जी। वो हमें दे रहा है जी वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वो कितना दे रहा है 10 क्रॉस 12 क्रॉस 15। ये टोटल कितना बन जाता है जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा जी 1800 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसके बाद वो कहता है जी साइड ऑफ क्यूब, एक साइड की वो हमें बता रहा है साइड ऑफ क्यूब। साइड ऑफ क्यूब जो होती है तो तीन साइड्स होंगी, एक उसने बता दी तो 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 तीनों की हम निकालेंगे तो वो भी 1 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो जब इस ये 1800 सेंटीमीटर की जो है इसको हम जब 1 सेंटीमीटर के हिसाब से काटेंगे तो ये टोटल कितने बनेंगे हम लिख लेंगे जी। नंबर ऑफ क्यूब 1800 हमारे पास है टोटल और एक के हिसाब से काटना है, एक एक सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से, तो टोटल बन जाएगी जी 1800। ठीक है, कौन सा ऑप्शन दुरुस्त होगा इसमें से? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। अब दूसरे सवाल को करते हैं। वो कहता है कि जी हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 11। ये चार ऑप्शन दे देता है। कहने का क्या मतलब, वो कहता है जी हम दूसरे का सोल्यूशन करते हैं जी। हाउ मैनी 2 डिजिट, कितने ऐसे बताएं कितने नंबर हैं जो 2 डिजिट पे मुश्तमिल हों और उसको डिवाइड किया जा सके 11 से। तो हम जानते हैं कि जी 11 को 11 पे भी किया जा सकता है, 22 पे भी होता है, 33 पे भी होता है, 44 पे होता है, 55 पे होता है, 66 पे होता है, 88 पे होता है एंड 99 पे होता है। इसके बाद 11 जो है वो 2 डिजिट पे नहीं होता। तो 67 भी आएगा इसमें। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे नंबर्स हैं जिन जो 2 डिजिट पे मुश्तमिल है और 11 पे डिवाइड होते हैं। तो ऑप्शन बी दुरुस्त है। उम्मीद है सवाल की समझ आ गई होगी। अगर कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको तफसील से समझा दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, इससे आपके नॉलेज में इजाफा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।